हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 पर। इतना ज्यादा जाम लग रखा है, अभी 20 मिनट तक मैं जाम में खड़ा रहा। सुबह सुबह इतना जाम लगने लग गया अब तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा गियरलेस स्कूटर सबसे बढ़िया है लॉन्ग राइड के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। YouTube पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, कोई बोलता है एंटॉर्क अच्छी है, कोई बोलता है बर्गमैन अच्छी है, कोई बोलता है जुपिटर अच्छी है, कोई एक्टिवा। तो सबसे पहली बात कि सारे गियरलेस स्कूटर अच्छे होते हैं, आप सबको ही लॉन्ग राइड पे ले जा सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 125 सीसी का ही स्कूटर चाहिए, आप 110 सीसी में भी लॉन्ग राइड कर सकते हो, 90 सीसी में भी लॉन्ग राइड कर सकते हो, और कुछ कुछ लोग तो टीवीएस एक्सएल में भी कर देते हैं, लोग उस पर भी लद्दाख चले जाते हैं। और एक यूट्यूब पे चैनल है साइकिल बाबा नाम से, तो उनका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो साइकिल से वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, कई लोग बाइक से नहीं कर पाते, कहीं क्या बहुत सारे लोग बाइक से नहीं कर पाते, वो साइकिल से कर रहे हैं। उन्होंने साइकिल से लद्दाख भी करा हुआ है। तो आप कोई सा भी गियरलेस स्कूटर, कोई सी भी बाइक लेके लॉन्ग राइड कर सकते हो। तो आपको जो भी स्कूटी पसंद हो, जिसके लुक्स आपको ज्यादा अच्छे लगते हो, जिसे चलाने में आपको ज्यादा अच्छा लगे, तो वो खरीदो, क्योंकि लॉन्ग राइड पे आप किसी भी चीज को ले जा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, स्कूटी पे नहीं। 3, 2, 1 गो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज तो। वैसे जब भी मैं वीडियो बनाने निकलता हूँ तो उस टाइम ठंडी हवा चल रही होती है। तो ये पुष्ट विहार है और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 20। मेरी स्पीड लिमिट से ज़्यादा चल रही है, 30 चल रही है मेरी स्कूटी। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं स्कूटी पे लॉन्ग राइड नहीं होती, बाइक पे ही होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग राइड किसी पे भी हो सकती है, स्कूटी, बाइक, साइकिल। तो अगर आपको लॉन्ग राइड करनी है और आपके पास एक गियरलेस स्कूटर है या छोटी बाइक है 100 सीसी, 110 सीसी, तो वेट मत करना कि पहले बड़ी बाइक लूंगा तब जाऊंगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो ले लेना, वरना आप उस पर भी कर सकते हो छोटी बाइक पे। यहाँ पे स्पीड लिमिट 30 है, 30 चल रही है स्कूटी। और इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है फैजल आउटलो के नाम से, तो वो भी आप जरूर चेक करना। वो अभी केरला टू सिंगापुर कर रहे हैं साइकिल पे, जो एटलस की साइकिल होती है उस पर। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गियरलेस स्कूटर साइकिल पे बहुत दूर दूर तक लॉन्ग राइड करी है, जितना कि कई लोगों ने बड़ी बड़ी बाइकों पे भी नहीं की होगी। लोग साइकिल से कर लेते हैं तो स्कूटर में तो फिर भी बहुत ज्यादा पावर होती है, कम से कम पैडल नहीं मारने पड़ते, अपने आप चलता है, आराम से चलाओ, कंफर्टेबल होता है इतना। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका स्कूटर वेल मेंटेन्ड हो, सर्विस उसकी टाइम टाइम पे हो, ये नहीं कि बिना सर्विस कराए आप लेके घूम रहे हो उसे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा स्कूटर बेस्ट होता है लॉन्ग राइड के लिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।